बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कवायद तेज हो चुकी है। सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ का बजट जारी किया है। इससे अब तत्काल कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बलिया सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से जुड़ेगा। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली की भी राह आसान होगी। एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 12 घंटे से भी कम समय में बलिया से दिल्ली तक का सफ़र तय किया जा सकेगा। गौरतलब है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया कट गया था, उसके बाद यहां के जनप्रतिनिधियों पर भी लोगों ने काफ़ी दबाव बनाना शुरू किया। सभी जनप्रतिनिधि भी सरकार से बार बार इसकी मांग कर रहे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात दी। इसके लिए जिले के 16 गांवों का लैंड प्लान बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं। यूपीडा इस दिशा में युद्ध स्तर पर जुट गया है। परियोजना का सर्वे और DPR बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली की कंपनी एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। यह एक्सप्रेसवे स्वीकृत परियोजना के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जो बलिया शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 31 पर ख़त्म किया जाएगा। इसके लिए सदर तहसील क्षेत्र के बढ़वलिया, शाहपुर, लकड़ा, अवगिलवा, हरदरपुर, बंकापुर, टिकरी, सरेह इजरा, बसारतपुर, सुल्तानपुर, रसड़ा, कोटवारी, गुरुचंदा सिंहपुर, पूरा एकौनी व पातिखा मौजिब के भू अर्जन प्रस्ताव भेजा गया है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे 4 लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड परियोजना होगी। एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल पार्क और शिक्षण संस्थान विकसित करने की भी योजना है, जिससे पूर्वांचल का विकास हो सके। एक्सप्रेसवे के किनारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।